हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे जो कि बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए और विंटर स्पेशल हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे 200 ग्राम तिल चाहिए। तिल के साथ हमें गुड़ भी चाहिए। 70-80 ग्राम हम यहाँ पे गुड़ ले रहे हैं। एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें हम तिल को रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पे ही तिल को हम रोस्ट करेंगे। 10 मिनट तक तिल रोस्ट हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे। तिल को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। ज़्यादा ब्राउन हो जाने पे लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे तिल, तो इसलिए हमें इसे गोल्डन ब्राउन तक ही रखना है, जब तक ये अपना कलर थोड़ा चेंज करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तिल को रोस्ट करते हुए और अब इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और तिल को ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। देखिए, इस तरह से कलर होना चाहिए तिल को रोस्ट करने के बाद। इससे ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। लड्डू बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा हो चुका है। तिल रोस्ट कर लिए हैं हमने, अब ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, 1 मिनट तक ग्राइंड कर लेंगे और देखिए इस तरह से पाउडर बन जाएगा तिल का। ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें ग्राइंड कर लेंगे। अब हम दोबारा से पैन गरम कर लेंगे। इसमें हम 70 ग्राम गुड़ जो लिया था उसे हम इसमें मेल्ट कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। 1/4 कप अराउंड हम इसमें पानी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर पानी और गुड़ के घोल को चलाते रहेंगे। 5 मिनट तक इसमें बबल बनने शुरू हो जाएंगे। अब आप इस घोल को छान लेंगे, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी अलग हो जाएंगी। आप पतली छन्नी के साथ इसे छान सकते हैं। इसको छानने के बाद दोबारा से हमने पैन में चलाना शुरू किया है। अब इसमें छोटे छोटे बबल बनने शुरू हो गए हैं। गुड़ का घोल बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें तिल का पाउडर डालेंगे। फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। ड्राई फ्रूट पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स घर पे अवेलेबल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं, आप उन्हें छोटा छोटा काट सकते हैं या फिर आप ग्राइंड करके ही डाल सकते हैं। उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमने ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिए थे पहले ही, तो वो भी हम इसमें पाउडर ऐड कर देंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब आप फ्लेम बंद कर देंगे। सब अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें और अब हम इसे ठंडा होने के लिए वेट करेंगे 3 से 4 मिनट तक। अब हम इसके लड्डू रोल कर देंगे। अगर हम ज़्यादा देर तक वेट करेंगे तो गुड़ के कारण ये हार्ड होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा घी हाथों पे ग्रीस करके इक्वल अमाउंट का मिक्सचर आप लेके इसके लड्डू बांध देंगे। मिक्सचर गर्म ही रहना चाहिए जब आप लड्डू बना रहे हैं। अगर वो ठंडा हो जाता है तो आप उन्हें अच्छे से शेप नहीं कर पाएंगे। आप 2 मिनट तक वेट करेंगे, जब तक वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और उसके बाद आप हाथों में घी ग्रीस करके इसके लड्डू बना देंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से हमारे तिल के लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। इनको आप वाइट तिल के साथ थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो गाइज, आप भी घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मुझे बताएं कौन सी नई रेसिपी आप देखना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।